हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्राउन से कॉन्करर सिर्फ 3 दिन में कैसे जा सकते हो। गाइस ऐसी चीजें बताऊंगा ना, अब मानो आराम से 3 या 3.5 दिन में आराम से क्राउन से कॉन्करर चले जाओगे। ठीक है गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, बस जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रखना और वो फॉलो करना। ठीक है, तो आप आराम से क्राउन से कॉन्करर पे चले जाओगे। अगर आप क्राउन 3 या क्राउन 2 पे हो तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर आप उससे नीचे हो तो गाइस थोड़ा सा और मेहनत, आप आराम से चले जाओगे। तो गाइस आपको जाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है अपना टीयर प्रोटेक्शन कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही टीयर प्रोटेक्शन कार्ड है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास अभी क्राउन पे आए हो और आप अगर क्राउन पे आके 5 मैचेस खेलोगे तो आपको 3 टीयर प्रोटेक्शन कार्ड मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये टीयर प्रोटेक्शन कार्ड अगर आपके पास पहले से है और आप यूज़ कर रहे हो तो नहीं गाइस, पहले यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ क्राउन पे आके इसको यूज़ करना है। क्योंकि क्राउन पे आपका ज़्यादा माइनस होने की चांसेस रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बंदे क्राउन पे ही कैंप करते हैं। ठीक है, तो आपको 3 टीयर प्रोटेक्शन कार्ड मिल जाएंगे, सीज़न आप रिवॉर्ड से कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास पहले से भी 3-4 है तो भाई 6-7 टीयर प्रोटेक्शन कार्ड मिलते हैं, यानी आपकी 6-7 मैचेस में माइनस नहीं लगेगी। ठीक है गाइस, तो अब आपको करना यह है, आप टीयर प्रोटेक्शन कार्ड ऐसे फालतू यूज़ मत करना कि हाँ भाई अब टीयर प्रोटेक्शन कार्ड आ गया भाई हॉट ड्रॉप लेंगे। नहीं, आपको हॉट ड्रॉप नहीं लेना, आपको वैसे ही कैंप करके खेलना है थोड़ा। ठीक है, आप फिर टॉप 20 या टॉप 15 में आके रश मार सकते हो। टीयर प्रोटेक्शन कार्ड आपके लिए इसलिए है, जैसे आप अर्ली फाइट ना हो जाए, यानी आप अपने ड्रॉप लोकेशन पर जा रहे हो, आपसे कोई उधर अर्ली फाइट हो गई और आप मर गए गलती से, उस वक्त आपका टीयर प्रोटेक्शन कार्ड बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अब आपको टीयर प्रोटेक्शन कार्ड यूज़ कैसे करना है तो वो मैं बताता हूँ आप यूज़ कैसे करना टीयर प्रोटेक्शन कार्ड। तो आपको ऐसे देखो, आप मान लो आप क्राउन 5 पे आ गए तो टीयर प्रोटेक्शन कार्ड यूज़ मत करना हैंड टू हैंड, क्राउन 4 पे आ गए तो भी मत करना। अब आप क्राउन 4 से ऊपर जा रहे हो ना, तब टीयर प्रोटेक्शन कार्ड यूज़ करने लगना अपना। और ऐसे नहीं कि भाई दबा टीयर प्रोटेक्शन कार्ड यूज़ करते ही जा रहे हो, करते हॉट ड्रॉप लेते जा रहे हो और आपके ख़त्म हो गए, क्राउन 3 पे आने से पहले ही ख़त्म हो गए, वह ऐसा मत करना। अब आपको करना ये है, जैसे कि आपके पास प्रोटेक्शन कार्ड है 5, तो आप करना ये कि जैसे आप क्राउन 4 पे जस्ट पहुँचे हो तो मत यूज़ करना, जब आप क्राउन 4 के 50 पॉइंट कर लोगे ना उसके बाद यूज़ करने लगना। ठीक है, वैसे ही अगर आप फिर क्राउन 3 पे आ जाओगे, फिर क्राउन 3 पे जैसे आओ टीयर प्रोटेक्शन कार्ड हटा लेना, फिर वापस आपके 40-50 पॉइंट हो गए ना क्राउन 3 पे, फिर वापस यूज़ करने लगा। ठीक है, समझ लो, ऐसे ही आप अपना टीयर प्रोटेक्शन कार्ड यूज़ करना। अब अपन बात करते हैं अपनी दूसरी चीज़ की। तो गाइस दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना एक गोल सेट कर लो, जैसे आप मानो हाँ भाई आज मेरे को 150 या 200 या 250 तो पुश करनी ही करनी है, तो आप अपना एक गोल सेट कर लो, हाँ भाई मैं 10-15 मैचेस खेलूँगा और 250 से ऊपर प्लस कर लूँगा। तो आपने 250 का गोल बनाया, तो आपको करना ये है, अब आप 250 का गोल बना रहे हो ना, तो मिनिमम से मिनिमम आपकी 200 से ऊपर प्लस तो हो ही जाएगी अगर आपने 250 से ऊपर का गोल रखा है तो। ठीक है, अब आप मानो कि आप बोलोगे कि 250 का गोल है भाई इतने 15-20 मैचेस में कैसे होगा, पर आराम से होगा यार, आप वीकेंड वगैरह आप छोड़ देना, क्राउन पे आके छोड़ देना, आप खेलना इरेंगल। ठीक है, इरेंगल पे आते हैं कर, पर आपके पास क्या है टीयर प्रोटेक्शन कार्ड, वो बचा लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको ये करना है, टॉप 10 में आने की कोशिश करनी है, अगर हैकर आ रहा है तो लीव कर दो, एग्जिट कर दो लॉबी से ही। ठीक है, फिर आप वापस नेक्स्ट मैच ज्वाइन करो और पूरा वापस घूमो, देखो कि हाँ भाई कोई हैकर तो नहीं, हैकर लॉन्ग शॉट वगैरह आपको पता ही होगा कैसे हैकर देखते हैं, या फिर अपना ऑल पे माइक वगैरह रख के, स्पीकर वगैरह रख के आप चारों तरफ घूमो और देखो कि कोई टीम अप वगैरह हैकर के साथ नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि वो ऑल पे बोलने लग जाएंगे, एक बार देख लेना, ठीक है, ऐसे चेक कर लेना हैकर। तो गाइज अब अपन बात करते हैं अपनी तीसरी चीज़, तो तीसरी चीज़ ये है, गाइज ये बहुत के साथ हुई होगी, गाइज मेरे साथ भी बहुत हुई थी, जब भी अपन क्राउन 3 पे या क्राउन उससे ऊपर आने लग जाते हैं ना गाइज, अपन पैनिक हो जाते हैं भाई, बहुत डर डर के खेलने लग जाते हैं, तो अपने को वो नहीं करना। अगर अपन डर डर के खेलेंगे ना तो अपनी माइनस होगी और किल्स भी नहीं मिलेंगे। तो आप करना ये कि जब भी आप खेल लो डर के खेल लो, यानी कि आपको लग रहा है हाँ भाई यार अब नहीं हो रहा मेरे से, तो आप करना ये 10-15 मिनट के लिए गाने वाने सुन लो, या फिर TDM खेल लो, या फिर एक स्क्वाड खेल लो, या फिर ऐसे कहीं बाहर 10-15 मिनट घूमने चले जाओ, वापस आओ फिर खेलो और फिर किल्स वगैरह सब टॉप 10 वगैरह में सब आओ। ठीक है, तो आप ऐसे करके इजीली आ जाओगे और पैनिक नहीं होगे। तो अब मैं बताता हूँ गाइज आपको एक चीज़,
अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे यार मैं तो दिन के 5-6 मैचेस खेलूंगा, ले 3 दिन में लिया मेरे को। अब भाई ये तो इम्पॉसिबल वाली बात होगी ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपको खुद को भी मेहनत करनी होगी यार 3 दिन में आने के लिए, ठीक है। या जैसे कि आप 15 मैचेस तो मिनिमम खेलोगे ही खेलोगे, वरना उससे कम तो खेलोगे, तो भाई मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है यार। फिर तो आप एक हफ्ता भी ले लो, ग्राउंड से एज तक नहीं आ पाओगे, ठीक है। अब जब 3 में 15 मैचेस ही खेलो ना भाई, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा यार एकदम, कि हाँ भाई मैंने 250 सुपर प्लस करी है आज, कल भी इतनी करूँगा, समझ रहे हो भाई। इजी हो जाएगा यार एक बार के लिए, क्या एक दिन में भी आप 200-250 पुश करते हो ना, आप खुद को लगता है हाँ भाई बहुत सही है। तो गाइस बस यही थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना अगर आप कॉन्कर गए हो तो, आप बताना आप कैसे कैसे गए।